इस सीजन की गोभी, और गोभी के साथ अगर पत्ते भी काट के डाले जाते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हेलो एवरीवन, तो जो डेली की सब्जी है उसको हम बना रहे हैं। आज बनाएंगे गोभी की सब्जी। सबके यहाँ ये अलग अलग तरीके से बनते हैं, हम इसे तरीके से बनाते हैं। इसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और प्याज। और यहाँ हमने गोभी को गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 पानी गर्म पानी डालने से इसके अंदर जो भी रहते हैं वो सब निकल जाते हैं। और इसमें डालेंगे एक बड़ा आलू और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और हमारे आलू और प्याज अच्छे से भून चुके हैं तो इसमें हम डालेंगे गोभी और गोभी के ये पत्ते। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको ढक कर रख देंगे। हमारी गोभी हल्की सी फ्राई हो गई है। इस तरह से इसमें डालेंगे हम टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे। धना पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पलट दीजिए और इसको चारों तरफ से ऐसे टमाटर को पैक कर देंगे जिससे ये इसके अंदर अच्छे से पक जाएगा। आप भी जब सब्ज़ी बनाते हैं तो इस पैक को जरूर अपना दीजिए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। और ये सब्जी तैयार। देखिए टमाटर अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं और मसाला भी अंदर से अच्छे से भून चुका है और सब्जी का कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हरा लाल पीला। और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसको अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। ये देखिए सब्जी में कितना अच्छा उबाल आया है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसको एक बार और अच्छे से उबालेंगे। बनाएंगे प्लेट। इस सीज़न में खीरे बहुत आ रहे हैं और खीरे ज़रूर खाना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और ये स्किन के लिए भी। और गर्मा गर्म सब्जी ये देखिए। और गर्मा गर्म सब्जी के साथ गर्मा गर्म भात। एकदम भाप निकलता हुआ इस तरह से अगर ठंड में गरम गरम खाना मिलता है तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके साथ लेंगे हम होममेड नींबू का खट्टा मीठा अचार जो कि एकदम जैम की तरह है। ये देखिए आपको ये डिश कैसी लगी और आप गोभी कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइए। राधे राधे।